सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो अगली सभ्यता थी, उसके पतन के बाद जो अगली सभ्यता आई वो थी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता दो भागों में थी। अगर इसको दो भागों में बांट के पढ़ें तो पहले भाग में थी ऋग्वैदिक सभ्यता, इसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल का अगर कालक्रम देखा जाए तो इसका कालक्रम 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक। तो ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल, और 1000 से जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक पीरियड जो है, लेटर वैदिक पीरियड, ये 1000 ईस्वी से पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा, 600 ईसा पूर्व तक। तो वैदिक सभ्यता को हम दो काल में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, ऋग वैदिक काल और लेटर वैदिक पीरियड। वैदिक पर जो काल है उसमें आर्य का निवास माना जाता है। आर्य जो थे, जो आर्य लोग थे, आर्य इनका कहा जाता है कि ये मध्य एशिया से आए थे। आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे और ये वहाँ के मूल निवासी थे। ये जो मूल निवासी हैं ये मध्य एशिया के मूल निवासी थे। ये कहाँ है, ये बात डिफाइन की है मैक्स मूलर ने, जो एक विद्वान है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर साहब ने कहा है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया के मूल निवासी थे, और ये सबसे पहले आ करके, जब सबसे पहले आए तो ये सप्त सिंधु में बसे, सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश में बसे। ये सब सिंधु प्रदेश जो पड़ता है, ये पंजाब और जो उसके आसपास के क्षेत्र थे, पहले का पंजाब रख लीजिए, अभी क्योंकि कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में भी है, तो पंजाब और आसपास के क्षेत्र, वहाँ ये सप्त सिंधु प्रदेश है, और वहीं आके ये आर्य बसे, पंजाब और आसपास के क्षेत्र। सप्त सिंधु प्रदेश, क्योंकि सिंधु जो नदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं, जिसमें रावी, बितस्ता, परुश्री, बिपाशा, झेलम, ये सब जो नदियां हैं इनकी, ये जो बीच का ये प्रदेश है, ये पूरा जो भू क्षेत्र है, ये इसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। तो आर्य सबसे पहले आकर के मध्य एशिया से यहीं पर बसे, मध्य एशिया से आकर के इसी स्थान पर बसे, सप्त सिंधु प्रदेश में। जो हम पढ़ रहे थे कि वैदिक सभ्यता, उसको हम जब दो भागों में पढ़ते हैं तो पहला जो आता है वो है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, इसका जो कालक्रम हमने बताया आपसे कि ये माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। ऋग्वैदिक काल की विशेषता यह है कि जब आर्य आए तो ये आर्य जो ऋग्वैदिक आर्य थे ये छोटे छोटे कबीले में आए। ऋग्वैदिक आर्य छोटे छोटे कबीले में बटे हुए थे। जब छोटे छोटे कबीले में आए और बस गए, ऋग्वैदिक साहित्य में ये जो कबीले होते थे इनको, इसी कबीले को जन कहा गया है। जो छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे, इन्हीं कबीलों को, ये जो छोटे छोटे थे इनको जन कहा गया है। और ये जो कबीला, इसका जो सरदार होता था इस कबीले का, सरदार को, जो सरदार था
इस सरदार को राजन कहा जाता था, राजन। और ये शासक होता था उस कबीले का। परिवार की बात करें तो अगर राजनीतिक इकाई की बात करें, राजनीतिक इकाई मतलब सामाजिक राजनीतिक जो भी समझे आप, तो सबसे नीचे होता था परिवार। परिवार या इसे हम कुल भी कह सकते हैं, कुल, इसे कुल कहा जाता था। और जब ये कई कुल मिलते थे, कुल मिल करके फिर आगे जब कई कुल मिलते थे तो कुलों को मिला करके ग्राम बनता था, और इस ग्राम का शासक होता था ग्रामणी। इस ग्राम का शासक ग्रामणी होता था। फिर कई जब ग्रामों को मिलाया जाता था तो इन ग्राम को मिला करके फिर यहाँ पे विश बनता था, और इस विश का जो शासक होता था या जो प्रधान होता था उसे विशपति कहा जाता था, विशपति होता था। और कई विश को मिला दिया जाए, जो विशपति होता था जिसे हम जनपद या ब्लॉक से कर सकते हैं, तो जब कई विश को मिलाया जाता था तो उन्हें जन कहा जाता था। फिर ये जन बनता था या जनपद बनता था, जन बनता था। और इसका प्रधान होता था राजा। और ये जो कुल हमने बताया, ये कुल का प्रधान होता था कुलप, जो परिवार की सबसे छोटी इकाई कुल थी, और कुल का प्रधान होता था कुलप। ऋग्वेद में जो कि एक एकमात्र साहित्य है वैदिक काल का जानने के लिए, तो ऋग्वेद में ये ऋग्वेद में जन शब्द का जो प्रयोग हुआ है, जन शब्द का प्रयोग वो 275 बार, 275 टाइम पे। और जो विष शब्द है, विष शब्द का प्रयोग हुआ है 170 बार, यानी 170 बार विष शब्द का ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो उस समय ऋग्वेदिक काल में दो सभा, समिति, विद, जिसे विदत कहा जाता है, और इसके अलावा गण, ये संस्थाएं थीं, ये जो है ये राजनीतिक संस्थाएं थीं, राजनीतिक संस्था थी ये, सभा, समिति, विद और गण। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सभा और समिति का संबंध किस काल से है, तो इसका उल्लेख ऋग्वेदिक काल से है। ऋग्वेदिक काल में बात करें अगर तो इसे ब्रह्मर्षि देश भी कहा जाता है, इस सप्त सिंधु प्रदेश को। हमने बताया कि कुल जिसका प्रधान कुलप होता था, ग्राम जिसका ग्रामणी होता था, विश का विस्पति, और जन और राष्ट्र होता था। इसके अलावा जो परिवार था यहाँ का, परिवार को, ये जो परिवार था इसकी सामाजिक प्रधानता थी कि ये पितृसत्तात्मक था। जबकि हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में उसमें हमें मातृ सत्तात्मक मिलता है। समाज में वर्ण व्यवस्था भी थी। जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था ये जाति आधारित नहीं थी, ये कर्म पर आधारित थी, कर्म पर आधारित थी। बाकी वर्ण व्यवस्था तो आप जानते ही हैं। जो ऋग्वेद का दसवां मंडल है, ऋग्वेद
का 10वां मंडल। इसमें एक सूक्त है पुरुष सूक्त। इस पुरुष सूक्त में ही चार वर्णों का वर्णन है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का वर्णन है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के। सोम जो है आर्यों का अगला, कि सोम ये आर्यों का एक कहें अल्कोहलिक ड्रिंक था, ये आर्यों का पेय था। सोम ये आर्यों का पेय। यो यानी कि, और जव जो है इनका खाद्य पदार्थ था, खाद्य था। समाज में उस समय ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की भी स्थिति अच्छी थी, यानी स्त्रियों की अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति, स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी समाज में इस समय, क्योंकि स्त्रियों की स्थिति अगर अच्छी थी तो विधवा यानी विधवा विवाह, इसके अलावा नियोग प्रथा, नियोग प्रथा और पुनर्विवाह, नहीं पुनर्विवाह, ये प्रचलित थे। तो क्योंकि स्त्रियों की स्थिति इस समय अच्छी थी, तो इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि विधवा विवाह, नियोग प्रथा और पुनर्विवाह प्रचलित थे। इस समय जो प्रचलित नहीं था वो था बाल विवाह और सती प्रथा, सती प्रथा इनका प्रचलन नहीं था। बाल विवाह और सती प्रथा का प्रचलन उस समय नहीं था। हमने जो नदियों का उल्लेख बताया आपको, उसमें इसके अलावा पर्दा प्रथा भी नहीं था। ये भी याद, बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा इनका प्रचलन नहीं था, जबकि पुनर्विवाह, नियोग प्रथा और विधवा विवाह इनका प्रचलन था। हम ऋग्वेदिक काल की नदियां, जब हमने आपको बताया कि सप्त सिंधु प्रदेश, तो उसमें जो नदियां थी ऋग्वेदिक काल की, उनका हम वर्णन करते हैं ऋग्वेदिक काल की नदियां। इसमें हम पहले डाल लेते हैं एक प्राचीन नाम और दूसरा आधुनिक नाम, यानी पहले जिस नाम से जानी जाती थी ऋग्वेदिक काल में, उसके बाद उनका क्या नाम पड़ा। प्राचीन नाम था जिसे कुभू हो गया, कुभू। ये जो कुभू थी ये आगे चल करके फिर कुर्रम के नाम से जाने लगे, कुर्रम। फिर आया बितस्ता, ये जो झेलम नदी है इसका नाम ऋग्वेद में आप बितस्ता के नाम से पाएंगे, जो कि झेलम है। इसके अलावा परुषणी है, जो कि रावी नदी है, उसको परुषणी कहा जाता था, परुषणी, ये रावी है। परुषणी के अलावा विपाशा, विपाशा, ये जो विपाशा है ये व्यास है, व्यास नदी, ये विपाशा के नाम से वर्णित है ऋग्वेद में। दृशद्वती हमने कल देखा था, घग्गर नदी को, उसके आसपास कई क्षेत्र भी मिले, मतलब कई स्थल मिले हड़प्पा सभ्यता के। तो ये जो घग्गर नदी है इसको पहले दृशद्वती के नाम से ना जाना जाता था। सुवास्तु, सुवास्तु नदी जो है ये स्वात के नाम से जानी जाती थी, स्वात। और कुभा जो कि काबुल नदी है, काबुल के नाम से जानी जाती है, वो है कुभा, काबुल। आठवीं नदी जो है चिनाब, उसको ऋग्वेद में अश्किनी के नाम से जाना जाता है,
ये है चिनाब। इसके अलावा सुतुद्री है, जो सतलज नदी है उसे सुतुद्री के नाम से जाना जाता था, सतुद्री। ये थी सतलज। जो 10वीं क्रम में है वो है गंडक नदी, जिसे ऋग्वेद में सदा नीरा के नाम से जाना जाता था, सदा नीरा, ये गंडक थी। और एक और नदी इम्पॉर्टेंट है, वो है गोमती, जिसे ऋग्वेद में गोमती कहा गया है। वो दरअसल वर्तमान की गोमाल नदी है, गोमल, जो गोमल है इसे गोमती कहा गया है। तो ये वो नदी थी। इसके अलावा एक हमने देखा कि जो नदी थी सिंधु, सिंधु को इंडस कहा आर्यों ने, यूनानियों ने इंडस कहा। ये जो सिंधु थी इसको भी इंडस कहा जाता था, वैदिक नाम, ऋग्वेद, ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ जो पहले सिंधु थी, अब इसको जो फिर यूनानी आए उन्होंने इंडस कहा। तो ये हमने पढ़ा। इसके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे कि इनका परिवार जो था ऋग्वेदिक काल में, वो हमने देखा कि पितृसत्तात्मक था और संयुक्त परिवार था। इसके लिए जैसे दादा नानी नाती पोते जब एक ही स्थान पर रहते थे एक ही साथ, तो उसके लिए एक शब्द यूज किया नप्त्र, नप्त्र शब्द का प्रयोग किया जाता था। वर्ण व्यवस्था हमने बताया कि आपको पुरुष सूक्त में मिलेगी, और उसमें ये लिखा हुआ है कि विशाल जो पुरुष हैं, विराट पुरुष, उनके मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र का शूद्र उत्पन्न हुए हैं, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। एक और इम्पोर्टेंट ये है कि एक उसमें दहेज की प्रथा नहीं थी उस समय, और लेकिन जो दान दिया जाता था वो था वहतु। अगर आप वहतु देखेंगे तो ये वहतु शब्द है, ये कन्या को जो दान दिया जाता था विवाह के समय, कन्या को दिया जाने वाला दान, जाने वाला दान, तो ये इसके लिए वहतु शब्द का प्रयोग किया जाता था। शिक्षा में अगर उस समय, क्योंकि स्त्रियों की दशा अच्छी थी हमने आपको बताया, उसमें अगर आप देखा जाए तो ऋग्वेद में इसमें नाम भी आते हैं स्त्रियों के, जिसमें कि लोपामुद्रा हो गई, लोपामुद्रा, अपाला हो गई, अपाला, घोषा, सिक्ता, ऐसी आदि नारियां थी जिन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और विदुषी बनी, विश्ववारा। भाई ये छोटा सा काम था यार। बोलो। जो वहतु शब्द है वो कन्या को दिए जाने वाला जो दान होता था उससे संबंधित है। और इसके अलावा उस समय स्त्रियों की स्थिति क्योंकि अच्छी थी, तो लोपा मुद्रा, अपाला, घोषा, सिक्ता और विश्ववारा जैसी स्त्रियां, विदुषी स्त्रियां होती हैं। जो स्त्री आजीवन मतलब अविवाहित रहती है उसे अमाजु कहा जाता है। अमाजु ये अविवाहित स्त्री होती थी जो आजीवन आजीवन अविवाहित रहती थी, जो आजीवन अविवाहित रहती थी उसे अमाजु कहा जाता था। और जो नियोग की प्रथा हमने बताया कि नियोग की प्रथा उस समय थी, नियोग की प्रथा का मतलब यही होता था कि जो अपनी पुत्र की प्राप्ति हेतु स्त्री अपने देवर से साहचर्य स्थापित करती थी उसे नियोग कहा जाता था। दास प्रथा का प्रचलन था उस समय, अगर कहें कि दास प्रथा उस समय प्रचलित थी, लेकिन वो दास प्रथा जो है यूनान और रोम की भांति नहीं थी, इतनी कड़ी नहीं थी। आर्य लोग अगर इनके भोजन की बात करें तो ये मांसाहारी और शाकाहारी, मांसाहारी और शाकाहारी ये दोनों प्रकार का भोजन करते थे। आर्यों के वस्त्र अगर बात करें इनकी वस्त्रों की, तो इनकी वस्त्र जो है सूती और ऊन और चर्म के बने होते थे, ऊन और चमड़े के, चर्म के बने होते थे। इसके अलावा इस समय दो विवाह बहुत ही प्रचलित थे,
विवाहों के प्रकार अगर देखें तो दो विवाह इस ऋग्वेदिक काल में प्रचलित में आते हैं, जिसमें होता था अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम और प्रतिलोम ये दो प्रकार के विवाह होते थे जो उस समय प्रचलित थे। अनुलोम विवाह ये होता था कि जैसे जो उच्च कुल का उच्च वर्ण का पुरुष है वो निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करे, तो ये अनुलोम होता था। अगर स्त्री उच्च वर्ण की है और वो निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह करती थी तो ये प्रतिलोम होता था। नर्तकियों के लिए एक विशिष्ट परिधान धारण किया जाता था जिसे पेशस कहा जाता था। ये नाचने वाली जो होती थी नर्तकी वो पहनती थी पेशस। कान में उस समय क्योंकि आभूषण भी अच्छे धारण किए जाते थे, तो क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे, तो उसमें कर्ण शोभन, शीश पर कुंभू नामक आभूषण था। इसके अतिरिक्त खादी, रुक्म, भुजबंद ये सब चीज़ें पहनी जाती थी। एक होता है भिषज, जो ये भिषज होता है, ये भिषज शब्द का प्रयोग आता है, तो ये भिषज जो है वैद्य के लिए प्रयोग किया जाता है। जो वैद्य होते हैं उनके लिए भिषज शब्द प्रयोग किया जाता है। और ये जो भिषज होता था वैद्य, ये अश्विनी देवता जो होते हैं उनके लिए था, अश्विनी देव के लिए, अश्विनी देवता के लिए, अश्विनी देवता के लिए। जो क्योंकि उस समय यक्ष्मा और तपेदिक, इसका भी कई स्थानों पर बहुत जगह उल्लेख हुआ है। इसके अलावा अगर और बात करें तो इनका समाज जो है, इसमें एक बलि नामक कर लिया जाता था। करों की आर्थिक स्थिति की बात अगर करें हम, तो आर्थिक स्थिति में एक कर लिया जाता था बलि। ये जो बलि नामक कर था ये स्वेच्छा कर था, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो बलि नामक स्वेच्छा कर है ये उत्तर वैदिक में चल करके नियमित कर हो जाता था। इस कर में ये होता था कि राजा जो है, प्रजा जो है राजा के लिए फल फूल और जो भी चीज़ें होती थी वो लेके जाती थी और ये स्वेच्छा से उनको देती थी। इसके अलावा हमने बताया कि ग्रामीण और कबीलाई संस्कृति थी इनकी। गाय इस समय पवित्र पशु था, गाय जो है वो सबसे पवित्र पशु था, पवित्र पशु, तो गाय सबसे पवित्र पशु थी। इसको विनिमय के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था और ज़्यादातर देखें तो लड़ाइयाँ भी जो है गायों को लेकर ही हुई हैं। और गाय को उस समय अष्टकर्णी कहा जाता था और अष्टकर्णी से ये ज्ञान होता कि इनको शब्द अंकों का भी ज्ञान था। गविष्टि भी एक है गाय की महत्ता, और इसी गाय को अघन्या कहा गया है, यानी कि ना मारे जाने योग अघन्या। गाय शब्द को अघन्या कहा गया है, मतलब गाय को, और गाय अघन्या का मतलब होता है कि इसे मार नहीं सकते, ये ना मारे क्योंकि उस समय मांसाहारी भी थे तो, लेकिन गाय को वो नहीं मारते थे, गाय को ना मारे जाने योग माना जाता था। और अगर उसको गाय की कोई हत्या कर दे या उसे घायल कर दे तो उसके लिए मृत्यु दंड तक का विधान था, यानी मृत्यु दंड तक का विधान था ऋग्वेद में ये। और इनकी ये जो गाय थी इनकी चोरी भी होती थी, और ये चोरी करते थे जो पड़ी नामक व्यापारी होते थे, ये गायों की चोरी भी किया करते थे। गाय के अलावा जो दूसरे पशु का वर्णन मिलता है उपयोगी वो था घोड़ा, क्योंकि अगर युद्ध हुए हैं तो रथ बने होंगे और घोड़ा इस समय उपयोगी पशु था। और घोड़े के अलावा अगर देखें तो इसके अलावा हमें बैल, हमने गाय, घोड़ा, बैल, भैंस, बकरी ऊंट ये आदि ऐसे पशु थे जो कि उस समय उपयोगी थे। व्यापार पर यही जो पणि लोग थे जो चोरी के लिए विख्यात भी थे, इन्हीं का अधिकार होता था। और विनिमय के रूप में हमने बताया कि अगर गाय और घोड़ों के अलावा जो जिसका प्रयोग होता था वो था निस्क। निस्क जो है इसका भी प्रयोग होता था। निस्क ये इसे कहें तो ये सोने का शायद आभूषण या सोने के टुकड़े से संबंधित है, यानी स्वर्ण से संबंधित था ये। और इसी सोने के लिए एक और शब्द मिलता है जिसे हिरण्य कहा जाता है। तो अगर हिरण्य शब्द आता है एग्जाम में तो हिरण्य का संबंध हिरण से नहीं होगा, उसका संबंध सोने से होगा, ये याद रखिएगा। अष्टकर्णी, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि गाय के लिए जो अष्टकर्णी शब्द यूज किया गया, इससे ये लगता भी है कि इनको अंकों का ज्ञान था, अंकों की जानकारी थी। और अयस शब्द का भी इस समय प्रयोग हुआ है, जो प्रयोग हुआ है वो अयस का भी प्रयोग हुआ है, जो कि लोहे के लिए अयस, सतनाम, ये सब चीज़ें जो है ये इनका भी इस शब्द का भी प्रयोग हुआ है। इस समय जो देवता थे उसमें आकाश के देवता अलग थे, इंद्र के आकाश, धरती और
अंतरिक्ष, ये सब के देवता अलग अलग थे। इनमें अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट सब, इस समय जो धार्मिक कर्मकांड होते थे ये भौतिक सुखों के लिए होते थे। धार्मिक जो कर्मकांड होते थे ये भौतिक सुखों के होते थे, जैसे कि किसी को भौतिक सुख हुए तो, जैसे कि किसी को अगर पुत्र और पशु की प्राप्ति करनी है तो वो कर्मकांडों को करता था। जैसे यज्ञ किया ब्राह्मण ने तो उसको गाय की प्राप्ति हो गई, पशुओं की प्राप्ति हो गई, तो इसलिए किसी ने यज्ञ करवाया तो पुत्र की प्राप्ति होती है करवा रहा है। इस कारण से ये भौतिक सुखों के लिए उस समय धार्मिक कर्मकांड किए जाते थे। इसमें अगर बात करें तो इसमें अनेक देवताओं का वर्णन है। देवता जैसे कि थे आकाश के देवता, इसके अलावा थे अंतरिक्ष के देवता, अंतरिक्ष के देवता के बाद पृथ्वी के जो देवता होते थे उनका भी वर्णन है। पृथ्वी के देवता, आकाश के जो देवता थे उनमें अगर बात करें तो जैसे कि सूर्य हो गए, प्रमुख प्रमुख आप याद रखिए, सूर्य, वरुण, और इसके अलावा विष्णु, पूषण, सविता, विष्णु, पूषण और सविता, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आकाश के देवता के रूप में वर्णित थे। इसके अलावा जो अंतरिक्ष के देवता थे, अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, रुत यानी रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, यम, ये सब जो है वायु, यम, ये सब तो जो थे ये अंतरिक्ष के देवता थे। पृथ्वी के जो देवता थे उनमें अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती, अग्नि, सोम, बृहस्पति, ये सब जो है पृथ्वी के देवता थे। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो इंद्र की है, और इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर ऋग्वेद की जो सूक्त है यानी इंद्र के लिए 250 सूक्त, 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। इसके अलावा क्योंकि इंद्र जो है आर्यों के युद्ध नेता भी थे, वर्षा, आंधी, तूफान, इन सब के देवता भी माने जाते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट देवता हैं अगर आर्यों के तो वो इंद्र हैं, इनका वर्णन इसीलिए सर्वाधिक बार आया है। दूसरे अगर महत्वपूर्ण देवता थे तो वो अग्नि थे। अग्नि, अग्नि इनके लिए 200 सूक्त समर्पित हैं, जो ऋग्वेद के 200 सूक्तों में अग्नि का वर्णन है। ये इनको जो है अग्नि को मनुष्य और देवता इनके बीच मध्यस्थता का देव माना गया है, ये मध्यस्थता स्थापित करते थे। और तीसरे जो इम्पोर्टेंट देवता हैं उनमें वरुण का नाम आता है, और वरुण के लिए 30 सूक्त समर्पित हैं, इनके लिए 30 सूक्त समर्पित हैं। वरुण को ही एक और कहते हो कि वरुण जो है ये जल का प्रतिनिधित्व करते थे, जल जल का, और इनके लिए एक और शब्द आता है वरुण के लिए, ऋतस्य गोप्ता, ऋतस्य गोपा, वरुण के लिए ऋतस्य गोपा नामक एक शब्द आता है। गायत्री मंत्र जो है वो सविता को समर्पित है, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। तो जो ऋग्वेद है यानी कि ऋग्वेद के तीसरे जो मंडल में है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, जो कहते हैं ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवो सतीमेव देवो न प्रचोदयात्। तो ये जो गायत्री मंत्र है इसका ऋग्वेद के तीसरे मंत्र में वर्णन है, और इसकी रचयिता जो है वो है विश्वामित्र। विश्वामित्र ने इस गायत्री मंत्र की रचना की है, इसके रचनाकार हैं। धौस जो है ये सबसे प्राचीन देवता है, ऋग्वेद के अगर सबसे प्राचीन देवता की बात करें तो धौस है। सरस्वती का भी वर्णन है, सरस्वती जो पहले नदी की देवी थी आगे चलकर ये विद्या की देवी हो जाती है। ऋग्वेद में कर्म कांड है, यज्ञ है, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं है, याद रखिएगा। उस समय पूषण जो थे वो पशुओं के देवता थे, लेकिन ये आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में ये पूषण शूद्रों के देवता हो जाते हैं। हमने बताया कि एक जो उपासना होती थी, कर्मकांड होती थी, ये सब भौतिक सुखों के लिए होते थे।
और ये प्रार्थना और यज्ञ होता था, मूर्ति पूजा नहीं होती थी उस समय। एक और था कि अरण्यानी नामक एक जंगल की देवी थी, अरण्यानी, अरण्यानी क्योंकि उस समय वन बहुत थे, तो ये जंगल की देवी थी, ये जंगल की देवी थी। और ये कहा जाता है कि ऋग्वेद का जो पहला मंडल है और जो सबसे अंतिम मंडल है, उसकी जो रचना हुई वो सबसे बाद में हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं उसको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक शब्द आता है उर्वरा, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उर्वरा, उर्वरा का मतलब होता है उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि। एक आता है लांगल या सीर कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि हल से संबंधित होता है ये लांगल या सीर, ये हल से संबंधित है। और इसके अलावा एक वृक जो कि बैल है, सीता जो कि हल की जो नालियां बनती थी उनको सीता कहा जाता था, ये हल्की नालियां होती थी, हल्की नालियां। इसके अलावा एक और है तक्षण, अगर तक्षण शब्द एग्जाम में आता है तो तक्षण का अर्थ है ये बढ़ई, ये बढ़ई से संबंधित था। जो अवल आता है इसमें, एक अवल, वेल, अवल, ये कुएं से संबंधित है, इसका अर्थ कुआं से लगाया जा सकता है। तो कुछ ऐसे शब्द थे जैसे कि अनस हो गया, ये बैलगाड़ी है। ये कुछ ऐसे शब्द थे जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये ऋग्वेदिक काल से संबंधित जानकारी थी। आगे देखते हैं उत्तर में, लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल, जो कि फिर 1000 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक होता है। ऋग्वेदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है। उत्तर वैदिक काल, इसका जो समय होता है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 BC से 600 BC तक का रहता है। इस काल की जो मुख्य विशेषता होती है कि जो ऋग्वैदिक काल में, अब आप देखेंगे कि इसी युग में, अब ऋग्वैदिक के बाद आर्य संस्कृति का और प्रसार होता है, उसका विकास होता है, और इसी में फिर मतभेद उभरते हैं और उनकी दर्शन नीति आचार विचार मत विश्वास इन सब में फिर अब रूपरेखा निश्चित होती है उनकी और स्पष्ट भी होती है। उत्तर वैदिक काल को अगर अध्ययन के लिए देखें तो इसमें हमें कई ग्रंथ मिलते हैं, जिसमें यजुर्वेद, यजुर्वेद हो गया, यजुर्वेद, सामवेद, इसके अलावा अथर्ववेद, इन तीन वेदों के अलावा जो ग्रंथ हैं उनमें ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, और जिन ग्रंथों की रचना जंगलों में हुई वो आरण्यक। ये कुछ ऐसे ग्रंथ हैं और ये महत्वपूर्ण स्रोत हैं लेटर वैदिक पीरियड के। इनमें ये हुआ कि अब जो वो छोटे छोटे कबीले थे वो जनपदों में स्थापित हो जाते हैं। इसमें लौह युग की शुरुआत हो जाती है। पहला तो ये कि लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत हो जाती है, लौह लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत। तो इसमें लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत हो जाती है इसी पीरियड में। इसमें जो अध्ययन के लिए अगर बात करें तो इन स्रोतों के अलावा जो ग्रंथ हैं, सॉरी, जो और अध्ययन के लिए चीजें मिलती हैं उसमें चित्रित धूसर मृद्भांड, जो चित्रित धूसर मृद्भांड,
ये भी एक स्रोत के रूप में प्राप्त होते हैं, जिनको प्रिंटेड ग्रे वेयर कहा जाता है। ये जो आर्य लोग थे, इनकी अगर बात करें तो इनकी संस्कृति वो का जो केंद्र था वो मध्य देश था, और फिर इसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर के और गंगा घाटी तक का हो जाता है, यानी गंगा के जो दुआब क्षेत्र हैं वहाँ तक हो जाता है। तो इनका विस्तार अगर बात करें तो विस्तार सरस्वती नदी से लेकर के, सरस्वती नदी के क्षेत्र से लेकर के गंगा के दुआब तक, जो दुआब का मतलब होता है जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं ना, उनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दुआब कहा जाता है। तो सरस्वती नदी से लेकर के गंगा के दुआब तक इनका विस्तार हो जाता है, धीरे धीरे इनका प्रसार होता है। एक सत्पथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा है, उसमें ये भी कहा गया है कि जो उत्तर वैदिक काल में आ रहे थे वो गंडक के पूर्व की ओर प्रसार करते हैं, वो उसका वर्णन है। जो गंगा यमुना का दुआब है और सरस्वती नदी, ये दिल्ली से लेकर के और गंगा यमुना के दुआब तक का क्षेत्र आता है, जो पंजाब और कुरुक्षेत्र ये सब इसमें सम्मिलित होते हैं। ये लोग 600 ईस्वी के आसपास जब पहुँचते हैं, यानी कि जब ये 600 BC के समथिंग पहुँचते हैं, तो जब उत्तर वैदिक काल का अंतिम पीरियड होता है, उस समय तक ये लोग कौशल, ये लोग उस समय तक कौशल विदेह और अंगराज्य से परिचित हो जाते हैं, अंगराज्य से परिचित, अंगराज्यों से परिचित हो जाते हैं जब ये आगे चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में ही रेवा और सदा नीरा, यानी कि नर्मदा और गंडक का भी वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक काल में जो ये साहित्य हैं, इन साहित्यों में जो जिन पर्वतों का उल्लेख आया है, उनमें ये भी इंपॉर्टेंट है कौन से पर्वतों का उल्लेख आया है। तो एक तो है त्रिकुद, त्रिकुद, क्रौंच, क्रौंच, मैनाक, ये तीन चार ऐसे पर्वत हैं जो पूर्वी हिमालय में पड़ते हैं, इनका वर्णन आया है जो उत्तर वैदिक काल के साहित्य हैं। इनमें लेटर वैदिक पीरियड के कहें तो इसमें एक और है कि राजत्व का दैवी सिद्धांत, राजत्व का दैवी जो सिद्धांत है, ये ऐतरेय ब्राह्मण से लिया गया है। हमने ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा था, उसमें ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है एक, तो ऐतरेय ब्राह्मण से लिया गया है। इस काल में फिर राजा का पद बढ़ता है, अब दैवीय सिद्धांत को अपनाते हैं कि कहते हैं कि ये राजा ईश्वर का रूप होता है, और फिर राजा का पद धीरे धीरे अब वंशानुगत हो जाता है। उत्तर काल के जो परिवार थे, परिवार उस समय पितृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक। हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल में भी परिवार पितृसत्तात्मक था, लेकिन उसमें स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति थोड़ी थोड़ी मतलब धीरे धीरे डगमगाने लगी। वर्ण व्यवस्था थी उसमें भी कठोरता आने लगी, अब धीरे धीरे, अब ये कर्म पे आधारित ना होकर जन्म आधारित हो गई थी वर्ण व्यवस्था। दूसरा है कि इस काल में पितृसत्तात्मक परिवार होते हुए भी संयुक्त परिवार की प्रथा अभी तक अभी थी। अब जो वर्ण व्यवस्था थी, कर्म के बदले जाति हो गई, तो एक ये लिख दीजिए वर्ण व्यवस्था। पहले कर्म आधारित थी लेकिन अब बदल के जाति आधारित हो गई। छोटे छोटे पॉइंट में इसलिए लिख रहा हूं, आपको पढ़ने में याद करने में बहुत आसानी होगी। स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं रह गई है, उन्हें धन संबंधी और जो राजनीतिक अधिकार, जैसे पहले वो सभा और समिति में भाग लेती थी, वो सभी अधिकार उनके खत्म हो गए। जाबालोपनिषद, जाबालोप निषद में
चार आश्रमों का वर्णन मिलता है, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास, इन चार आश्रमों का वर्णन मिलता है। धार्मीय, क्योंकि पहले जो होते थे धार्मिक और यज्ञ कर्मकांड, वो भौतिक सुखों के लिए होते थे, लेकिन अब इनमें धीरे धीरे कठोरता आने लगी, जटिलता आ गई तरह तरह की। पहले देखिए कि प्रमुख देवता जो थे, अब जो प्रमुख देवता हो गए उनमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये लेटर वेदिक पीरियड में ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव, ये अब प्रमुख देवता हो गए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1000 ईस्वी पूर्व 1000 BC में लोहे का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है, लोहे के प्रयोग का साक्ष्य ये मिला है अतरंजी खेड़ा, जो कि पड़ता है उत्तर प्रदेश में। यहां पे लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। जाबालोपनिषद में हमने बताया कि चार आश्रमों का वर्णन मिलता है। इस शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें गार्बी, गंधर्व, गृहीता, मैत्रेयी, वेदवती आदि कुछ स्त्रियां हैं जिनका उल्लेख मिलता है। इसमें ही जाबालोपनिषद में ही 16 संस्कारों का वर्णन है। वो 16 संस्कार हैं, पहले गर्भाधान, फिर पुंसवन, उसके बाद सीमांतोन्नयन के बाद फिर आता है जातकर्म के बाद फिर नामकरण आता है, नामकरण के बाद निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, या वेद विद्यारंभ या वेदारंभ, वो एक ही बात है। उसके बाद उपनयन, जैसे उपनयन होता है फिर वेदारंभ से होता है। अब इसके बाद वेदारंभ, फिर केशांत के पश्चात फिर समावर्तन, और समावर्तन के पश्चात विवाह के पश्चात फिर अंत्येष्टि। ये 16 संस्कारों का वर्णन आता है लेटर वेदिक पीरियड में, जो उनके साहित्य मिलते हैं लेटर वेदिक के हैं। इन 16 संस्कारों के अलावा जो वर्णन आता है उनमें विवाह के 8 प्रकार का वर्णन आता है, ये भी लिख लीजिए आप, विवाह के 8 प्रकार। तो जो विवाह के 8 प्रकार वर्णन आता है, इनमें है, पहला है ब्रह्म विवाह,
ब्रह्म विवाह, दूसरा है दयो विवाह, दयो विवाह, तीसरा है आर्स विवाह, आर्स विवाह, चौथा है प्रजापति विवाह, प्रजापति विवाह, पांचवा है आसुर विवाह, आसुर विवाह, छठवां है गंधर्व विवाह, सातवां है पैसाच विवाह, आठवां है राक्षस विवाह। ये आठ विवाह का वर्णन मिलता है और ये वर्णन मिलता है मनुस्मृति में। मनुस्मृति में इन आठ प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है। ऊपर के ये जो चार विवाह हैं ये कहे गए हैं प्रशंसनीय, इनकी प्रशंसा की गई है, जबकि जो ये नीचे के चार विवाह हैं इनकी निंदा की गई है, निंदनीय माने गए हैं। अब प्रशंसा किस लिए की गई कि जो जो ये ब्रह्म विवाह है इसमें जब कन्या वयस्क हो जाती है तो पिता उसके लिए योग्य वर की खोज करता है और फिर उससे अपनी कन्या का विवाह करता है, जो कि ब्रह्म विवाह होता है। जो दयो विवाह होता है उसमें जो पुरोहित होता है यज्ञ करने वाला, उसे यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ ही कन्या का विवाह कर दिया जाता है, जिसे फिर दयो विवाह कहते हैं। और ये जो आर्ष विवाह होता है, आर्ष विवाह में कन्या के पिता द्वारा यज्ञ के कार्य हो जो एक अथवा दो गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह कर देना, जैसे कि जो कन्या का पिता है वो यज्ञ करा रहा है लेकिन उसके पास गाय नहीं है तो एक या दो गाय के बदले में वो अपनी कन्या का विवाह जो है उस पुरोहित के साथ कर दे, तो ये आर्ष विवाह कहलाता था। चौथा होता था ये जो प्रजापति विवाह, प्रजापति विवाह, प्रजापति में विवाह की वर जो है वो स्वयं कन्या के पिता से जाके कन्या का हाथ मांग लेता था, तो ये प्रजापति विवाह होता था। तो ये चार विवाह जो हैं ये प्रशंसनीय माने गए हैं। और जो निंदनीय विवाह थे जिसे आसुर प्रवृत्ति के, तो आसुर प्रवृत्ति में इसमें क्या होता था कि ये कन्या के पिता द्वारा जो धन के बदले में कन्या का विवाह कर दे या विक्रय कर दे, यानी धन लेके कन्या को बेच दे या कन्या को दे दे दूसरे को, तो ये होता था आसुर विवाह। गंधर्व विवाह में होता था कि जैसे कि लव मैरिज, जो लव मैरिज है ये गंधर्व विवाह की श्रेणी में आती थी, यानी कि ये दोनों प्रेमवश कामुकता के वशीभूत होकर ये एक दूसरे से विवाह कर ले, तो ये गंधर्व विवाह होता था। दूसरा होता, तीसरा होता था इसमें निंदनीय में पैसाच विवाह, जो कि सातवां है। इसमें ये होता था कि पैसाच क्रम का, जैसे कि सोई हुई हो या विक्षिप्त हो, विकलांग हो कन्या, उसके साथ कोई सहवास कर ले, फिर उसके साथ जो विवाह होता था वो होता था पैसाच विवाह। और जो बलपूर्वक छीन करके विवाह हो, यानी कि बलपूर्वक छीन करके अपहरण करके जो विवाह होता था उसे कहते थे राक्षस विवाह। तो ये विवाह के आठ प्रकार थे जो कि मनुस्मृति में बताए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर ऋण होती थी, ऋणों की संख्या, अगर वहें तो जो ऋण होते थे वो तीन प्रकार के ऋण होती थी। पहला होता था पितृ ऋण, पितृ ऋण, दूसरा होता था ऋषि ऋण, ऋषि ऋण, और तीसरा होता था देव ऋण। ये तीन प्रकार के ऋण होते थे। इन ऋणों से छुटकारा पाना होता था मनुष्यों को, तभी उसका जीवन सफल माना जाता था। पितृ ऋण में होता था कि अगर पुत्र है वो संतान की उत्पत्ति कर दे, संतान की उत्पत्ति कर दे, तो फिर वो पितृ ऋण से मुक्त हो जाता था। ऋषि ऋण में, ऋषि ऋण जो होता था उसमें संतान की उत्पत्ति से पितृ ऋण से मुक्त हो गया, फिर उसी संतान को अगर वो शिक्षित करता है, उसको शिक्षित बना दे, तब फिर वो ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता था। और शिक्षित करने के अलावा जब धार्मिक यज्ञ और अनुष्ठान करता था तो फिर वो देव ऋण से मुक्त होता था। धार्मिक यज्ञ एवं अनुष्ठान करके फिर वो देव ऋण से मुक्त हो जाता था। तो ये तीन प्रकार के ऋण थे जो कि पूछे जा सकते हैं। इनके अलावा अगर बात करें तो कुछ जो हमारे वेद हैं उनके पुरोहित होते थे, तो वेदों के पुरोहितों की एक बार देख लेते हैं। जो हमारे
पुरोहित होते थे, वेदों के जो पुरोहित हैं उनमें ऋग्वेद को पढ़ने वाला जो होता था, ऋग्वेद को जो पढ़ने वाला होता था उसे होत्रा या होत कहा जाता था, होत्र या इसे होता कहते थे। जो सामवेद का गायन करता था, सामवेद को जो पढ़ता था उसको उद्गाता कहा जाता था, उद्गाता। यजुर्वेद को जो पढ़ता था, यजुर्वेद, इसे अधुर्य कहा जाता था, अधुरी। और जो अथर्ववेद का वाचन करता था, अथर्ववेद का, उसे ब्रह्म कहा जाता था। तो ऋग्वेद का होत्र या होता, सामवेद का उद्गाता, यजुर्वेद के अधुरी और अथर्ववेद के ब्रह्मा, ये चारों थे। इसके अलावा जो ऋग्वेद है, हम थोड़ा वेद के बारे में भी जान लें, जो ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल हैं, और इस 10 मंडलों में 1028 सूक्त हैं। जैसे कि हमने बताया कि तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र है, जो कि सविता को समर्पित है, सूर्य देवता सविता को। 10वां मंडल जिसमें पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का वर्णन है, सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित जो गायत्री मंत्र हमने बताया, ये पद्यात्मक लिखा हुआ है। जो सामवेद है ये यज्ञ पे, जो यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता था, तो गायन के लिए, गायन है, यज्ञ होते थे तो देवताओं की जो स्तुति की जाती थी तो वो सामवेद का गायन किया जाता था। और इसे ही भारतीय संगीत का मूल कहा गया है, मूल कहा गया है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में ये एक ऐसा वेद है जिसकी रचना जो है ये पद्य और गद्य दोनों प्रकार से हुई है, और इसमें ये मूलतः इसमें कर्मकांड की प्रधानता है, ये कर्मकांडीय वेद है, इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। और जो अथर्ववेद है इसमें जैसे जादू टोना, ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, ये इससे संबंधित है। ब्रह्म ज्ञान, औषधि, जादू टोना, इन चीजों से ये संबंध, तंत्र मंत्र, ये सही जब चीजों जो चीजें हैं ये अथर्ववेद में है। उसके अलावा हमने आपको उपनिषद के बारे में बताया। उपनिषदों की संख्या अगर बात करें तो जो उपनिषद हैं, उपनिषद ये ब्रह्म विषयक होने के कारण इन उपनिषदों को ब्रह्म विद्या भी कहते हैं, ब्रह्म विद्या कहते हैं। और इसमें आत्मा और परमात्मा और संसार के संदर्भ में इसमें दार्शनिकों के विचार दिए गए हैं, जैसे शंकराचार्य के विचार हैं और भी कई महापुरुषों के विचार दिए गए हैं इसमें। इसमें कहा जाता है लगभग उपनिषदों की संख्या जो है वो 108 बताई गई है, और जो इसी में एक है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, आज जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते, निःसत्य की ही विजय होती है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके अलावा वेदांग होती थी, वेदांग, इसके लिए वेदांग होते थे। वेदों के जो सूक्त लिखे होते थे, मंत्रों के जो मंत्र लिखे होते थे, उनके अर्थ को सही से समझने के लिए इन वेदांतों की रचना की गई। इनमें 6 वेदांग थे जिनमें शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये वेदांगों के 6 अंग थे। वेदांग के अलावा स्मृतियों की भी रचना हुई। हमने जैसे मनुस्मृति पढ़ा, उसमें विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन है।
तो स्मृतियों की भी रचना हुई। इन स्मृतियों को धर्म शास्त्र कहा जाता है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। जो मनुस्मृति है, हमने बताया कि इनमें विवाह के प्रकारों का वर्णन है, और इसे हिंदू धर्म का अगर कहें कानून भी कहा जाता है, कोड भी कहा जाता है। तो इसकी रचना जो हुई मनुस्मृति की, वो 200 ईस्वी पूर्व से, यानी 200 BC से 100 CE तक किया गया, या AD तक, 200 BC से लेकर के 100 CE तक किया गया। मनुस्मृति को हो हिंदू धर्म का कानून भी कहते हैं, हिंदू धर्म का कानून। इसके अलावा पुराण, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनकी संख्या 18 है। और सर्वाधिक जो प्रमाणिक है वो है मत्स्य पुराण। जो मत्स्य पुराण है ये प्रमाणिक है और ये सबसे पुराना है। और इसी मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है। विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनका वर्णन है। इसके अलावा अगर देखें तो इसमें आचार्य हुए कुछ, जैसे खड़दर्शन जो थे उसके रचयिता भी हुए। जो खड़दर्शन के रचयिताओं को जान लीजिए, खड़दर्शन के रचयिता में सबसे पहले आता है सांख्य दर्शन। सांख्य के जो रचयिता थे वो थे कपिल मुनि, कपिल। फिर योग का रचयिता, जो खड़दर्शनों में योग का, पतंजलि, पतंजलि। न्याय, न्याय के गौतम। पूर्व मीमांसा, मीमांसा, पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं। और उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा के रचयिता जो हैं वो बादरायण हैं। इसके अलावा जो वैशेषिक है, वैशेषिक, इसकी रचयिता है कणाद, या इनको उलूक भी कहा जाता है, कणाद या उलूक। ये खड़दर्शन से संबंधित है। इस समय कुछ ऐसे शब्द भी थे। खड़दर्शन के अलावा आप एक चीज और ध्यान दे दीजिएगा, इसमें जो यज्ञ होते थे, प्रमुख जो यज्ञ थे उनको भी आप नोट कर लीजिए इसी समय। प्रमुख यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, और सौत्रामणि यज्ञ, सौत्रामणि यज्ञ। सौत्रामणि यज्ञ के अलावा एक था पुरुषमेध यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ। इन यज्ञों की विशेषता क्या थी कि अश्वमेध यज्ञ जो होता था ये सबसे महत्वपूर्ण होता था। इसमें राजा द्वारा अपनी साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को छोड़ दिया जाता था। जैसे आप देखेंगे कि जो लोकुश कांड में, आप देखेंगे कि रामायण में, लोकुश कांड में श्री राम जब अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो वो घोड़े को छोड़ देते हैं, फिर लव और कुश घोड़े को पकड़ लेते हैं। तो जो उसको पकड़ता था, घोड़े को अगर कोई पकड़ लेता था तो वो राजा उससे युद्ध करता था और युद्ध में परास्त करता था।
जो राजसूय यज्ञ होता था वो राजा के, जो राजा का जब राज्याभिषेक होता था उस समय राजसूय यज्ञ किया जाता था। वाजपेय यज्ञ, ये राजा अपनी शक्ति का जब प्रदर्शन करता था तो उस समय रथ दौड़ ये का आयोजन किया जाता था, उसे वाजपेय यज्ञ उस समय किया जाता था। अग्निष्टोम यज्ञ, ये पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में इसका वर्णन किया गया है। सौत्रामणि यज्ञ में इसमें पशु और सुरा की आहुति दी जाती थी। इस सौत्रामणि यज्ञ में पशु और सुरा की आहुति दी जाती थी उस यज्ञ में। और जो ये पुरुष मेध यज्ञ है इसमें राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वस्थ और विद्वान पुरुष की जो है बलि दी जाती थी इस पुरुष मेध यज्ञ में। इसके अलावा जो कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो उस समय मतलब सेनानी, जैसे कि राजनीतिक काल में जो अधिकारी होते थे, तो वो देख लेते हैं। राजनीतिक अधिकारी जो राज दरबार में रहते थे या राज्य से संबंधित थे, उसमें एक था जैसे कि सूत हो गया। सूत, सूत के अलावा सेनानी, सेनानी के अलावा ग्रामणी हो गया, ग्रामणी के अलावा भागदूध हो गया। भागदूध याद रखिएगा, भागदूध के अलावा संग्रहीता हो गया। संग्रहीता, संग्रहीता के अलावा अक्षावाप, अक्षावाप छता हो गया। गोवी कर्तन, इसके अलावा पालागल, पालागल के अलावा महिषी हो गई, पुरोहित, और युवराज। युवराज तो पता ही है आप सभी को, राजकुमार। तो ये जो राजनीतिक अधिकारी होते थे, सूत जो होता था ये राजा का सारथी था, राजा का सारथी। सेनानी जो होता था ये सेनापति था। ग्रामणी, ग्रामणी में गांव का मुखिया आता है। भागदूध, ये कर को संग्रह करने वाला होता था, कर संग्रह करता, कर संग्रह करता। संग्रहीता जो होता था ये कोषाध्यक्ष को संभालता था, ये कोषाध्यक्ष होता था, कोष को संभालता था। अक्षावाप, अक्षावाप ये जो पासे का खेल होता था उसमें राजा के सहयोगी होते थे। पासे के खेल में राजा के सहयोगी, राजा के सहयोगी, पासी के खेल में राजा के सहयोगी होते थे। छता जो होता था ये होता था प्रतिहारी। गोवी कर्तन, गोवी कर्तन ये जंगल विभाग का प्रधान होता था, वन विभाग का प्रधान, तो ये जंगल विभाग का प्रधान होता था। पालागल जो होता था, पालागल, पालागल ये होता था विदूषक। महिषी ये मुख्य रानी होती थी। पुरोहित धार्मिक कर्मकांड वाला या धार्मिक कृत्य करने वाला अधिकारी होता था। और राजकुमार होता था, इसे युवराज कहा जाता था। तो ये थे राजनीतिक अधिकारी। तो ये उत्तर लेटर वैदिक पीरियड से संबंधित कुछ तथ्य थे, इनको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी के लिए। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में अब कर्म कांडों में इतनी जटिलता आ गई थी कि जो सामान्य लोगों के लिए अब कर्म कांड करना भी मुश्किल हो रहा था, तो अब नए नए धर्मों का उदय हुआ। इसी में एक है जैन धर्म। जैन का अर्थ होता है जिन, जिन अर्थात विजेता, यानी कि जिसने अपने मन, वचन और कर्म, यानी वन,
वाणी और काया को जीत लिया हो उसे जिन कहा जाता था, और वहीं से ये जैन धर्म निकला। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर होते हैं, और इन 24 तीर्थंकरों में जो पहले तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव इनको संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण हुए उनमें 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का नाम आता है। महावीर स्वामी ये इसके 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इसके बाद तीर्थंकर की यानी अंतिम तीर्थंकर। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक ही इन्हें माना जाता है। जैन धर्म ने त्रिरत्न का पालन किया है। त्रिरत्न, त्रिरत्नों में क्या है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, सम्यक आचरण, इन त्रिरत्नों का पालन किया है जैन धर्म ने। महावीर स्वामी क्योंकि इसके अंतिम तीर्थंकर थे, और इनसे पहले जो थे वो थे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। तो एक दो नाम याद करिएगा कि 19वें तीर्थंकर थे, 19वें थे मल्लीनाथ। इसको लेकर श्वेतांबर और दिगंबरों में मतभेद भी है। 22वें तीर्थंकर थे जो कहा जाता है कि 22वें जो तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में भी आता है। और जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, यानी 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। तो ये जो पार्श्वनाथ थे 13वें तीर्थंकर, ये काशी के जो नरेश थे राजा अश्वसेन उनके पुत्र थे। तो ये अश्वसेन के पुत्र थे, अश्वसेन के पुत्र। तो जो पार्श्वनाथ थे ये काशी के नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। ये जो सभी तीर्थंकर हैं इनके जो अनुयायी हुए इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। तो जैन अनुयायियों को, जो जैन अनुयायी हैं उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है, को निर्ग्रंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ ने, ये जो पार्श्वनाथ थे तो पार्श्वनाथ ने 4 व्रत दिए थे। पार्श्वनाथ ने जो इनके 23वें तीर्थंकर थे इन्होंने 4 व्रतों को दिया था, 4 महाव्रत, जिनमें इन्होंने कहा कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, और अस्ति। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्ति। अपरिग्रह का मतलब होता है कि धन का संचय न करो, धन का संचय करने की इच्छा को त्याग दो। अस्ति का मतलब चोरी ना करो। पार्श्वनाथ ने ही नारियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया। इन्होंने नारियों को धर्म में प्रवेश, नारियों का प्रवेश दिया।
इनको निर्वाण प्राप्त हुआ पार्श्वनाथ को, सम्मेद पर्वत है, सम्मेद पर्वत जो कि झारखंड का गिरिडीह जिला है, गिरिडीह जो कि झारखंड में है, वहां पे इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद जो प्रमुख और वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं, को हम वास्तविक संस्थापक भी कह सकते हैं जैन धर्म का, वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनका जीवन परिचय, तो इनका जो जन्म हुआ महावीर स्वामी का, जन्म इनका हुआ 540 ईसा पूर्व, वो कुंडग्राम नामक स्थान, कुंडग्राम वैशाली, वहां पर इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, पिता इनके थे सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक कुल के थे, ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय थे, प्रधान थे। माता का नाम इनकी त्रिशला था, माता का नाम इनकी था त्रिशला। ये जो लिच्छवी के शासक थे चेतक, लिच्छवी शासक जो थे चेतक की बहन थी, लिच्छवी चाटक जो चेचक चेतक थे उनकी बहन थी। इनकी जो पत्नी थी वो थी यशोदा, यशोदा भी ये कुंडीय गोत्र से थी, कुंडीय गोत्र की कन्या थी ये, कुंडीय गोत्र की कन्या थी। इनकी एक पुत्री भी थी कहा जाता है, जिसका नाम था प्रियदर्शना, या अड़ौजा, और इनके जो दामाद थे, दामाद का नाम था इनकी जमाली। इन सबको छोड़ के इन्होंने गृह त्याग किया, तब इनकी अवस्था 30 वर्ष थी, और इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा ली और फिर गृह त्याग किया। इन्होंने जो तप किया, इनका तप स्थल वो था जम्भिक ग्राम, जम्भिक ग्राम में इन्होंने एक थी रिजुपालका नदी, रिजुपालका नदी के तट पर ये बैठी और वहीं पर इन्होंने तप किया। 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, 12 वर्ष पश्चात, 12 वर्ष ये तप किया इन्होंने, 12 वर्ष के पश्चात इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। उस समय इनकी अवस्था फिर हो जाती है 42 वर्ष की, और रिजपालका नदी में इन्होंने साल का पेड़ था वहीं पे तप किया था, साल वृक्ष के नीचे। फिर इनको जब फिर ये अपना आनंद लेते रहे, इन्होंने फिर इनका जो निर्वाण हुआ वो निर्वाण हुआ 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में पावापुरी
पावापुरी नामक स्थान पर, जो कि वर्तमान में राजगृह में है या राजगीर में है, राजगीर के समीप है। और पावापुरी में एक मल्ल राजा थे सुस्तपाल, तो मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ इनको निर्माण प्राप्त हुआ। इन्होंने जो चार व्रत दिए थे पार्श्वनाथ ने, उसमें इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ करके पांच व्रत किए, तो उसे पंच महाव्रत कहा गया। पंच महाव्रत, पंच महाव्रत में अहिंसा, सत्य, ओ सॉरी, सत्य, अस्तेय, अपरग्रह, ये चार व्रत तो पार्श्वनाथ ने दिए थे, लेकिन इन्होंने इसमें पांचवा व्रत जोड़ा ब्रह्मचर्य। इन्होंने और कठोर बनाया जैन साधना को, ब्रह्मचर्य जोड़ा इसमें, और इंद्रियों को वश में करने के लिए, तो इसे पंच महाव्रत कहा गया। इसी के अंतर्गत एक अनेकांतवाद, मतलब जैन धर्म में ही इनके दर्शनों में अनेकांतवाद, स्यादवाद, नवावाद, ये सब चीजें आती हैं। ध्यान रखिएगा, स्यादवाद लिख लीजिए, जैन दर्शन में अनेकांतवाद, स्यादवाद ये पूछा जाता है, स्यादवाद, नवावाद, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। फिर इसके अलावा जैन धर्म का चैप्टर काफी बड़ा है, लेकिन जब इनको निर्वाण प्राप्त हुआ महावीर स्वामी को, तो उसके बाद जैन धर्म जो था वो दो संप्रदायों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर इन दो संप्रदायों में बट गया। श्वेतांबर ये जो थे ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर जो थे वो निर्वस्त्र रहते थे। जो निर्वस्त्र रहते थे इनको दिगंबर कहा गया, और श्वेतांबर ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दो संगीतियां हुई जैन धर्म की, दो महासंगीति हुई, तो जैन महासंगीति जो हुई, ये जो संगीति हुई, पहली संगीति हुई, जो प्रथम संगीति हुई वो हुई 322 से 5298 ईसा पूर्व, 322 से 298 BC, ये हुई पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष थे इसके स्थूलभद्र। इसमें यही हुआ कि ये जो जैन धर्म था इसका दो संप्रदायों में विभाजन हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। उसके बाद जो दूसरी संगीति हुई वो हुई 512 ईस्वी में, और ये संगीति हुई वल्लभी में, जो कि गुजरात में है। वल्लभी में ये संगीति हुई, और इस संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे देव ऋद्धि गणी, यानी क्षमा श्रमण भी कहा जाता है जिन्हें, क्षमा श्रमण इस संगीति के अध्यक्ष थे। इसमें जैन ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया। महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे। महावीर स्वामी के जो उपदेश थे वो प्राकृत भाषा में दिए गए थे। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो जैन धर्म के हैं, जैन धर्म में दो प्रथाएं हैं, जैन धर्म में संलेखना और संतार संथारा।
संलेखना प्रथा और संथारा प्रथा का वर्णन है। संलेखना प्रथा का मतलब ये होता है कि अच्छाई का लेखा जोखा, इसमें अहिंसा काया क्लेश इस पर बल बल दिया जाता है। और इसका एक है कि ये उपासना के द्वारा प्राण को त्याग देना, और दूसरी है संथारा प्रथा। इसमें जब व्यक्ति को ये लगे कि वो मृत्यु के नज़दीक है तो एकांत में चला जाता है और अन्न जल का त्याग देता है, मौन व्रत धारण कर लेता है और किसी भी दिन वो देह को त्याग देता है। ये इसका संथारा प्रथा है। साहित्यों में अगर कहें जैन जो साहित्य है, तो जैन साहित्यों में कुछ साहित्य लिख लीजिए। इनकी जो साहित्य हैं उनको आगम कहा गया है। आगम, आगम में इसमें जैसे 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, ये काफी चीजें हैं, लेकिन ये जानिए कि जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। ज्यादातर जो जैन साहित्य उपलब्ध हैं वो प्राकृत प्राकृत और संस्कृत भाषा में है, प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में, प्राकृत और संस्कृत भाषा में उपलब्ध हैं। जैन ग्रंथों में अगर कहें तो जो इम्पोर्टेंट है, एक तो उसमें आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, आज कुछ ऐसे हैं जो, एक और है भद्रबाहु चरित्र, तो ये कुछ जैन सूत्र हैं, जैन ग्रंथ हैं, को याद रखिएगा। तो ये जैन धर्म से संबंधित टॉपिक था। देखते हैं आगे बौद्ध धर्म के टॉपिक को। जैन धर्म के ही समानांतर एक और धर्म फैला जो था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक, इसके अगर संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध इस बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध की परिचय एक बार देख लेते हैं। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, सॉरी, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, जो कि कपिलवस्तु में पड़ता है, लुम्बिनी। लुम्बिनी नामक ग्राम जो कि कपिलवस्तु में पड़ता है, ये नेपाल की तराई में है। तो यहां पर इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम था सुद्धोधन। तो जो सुद्धोधन थे वो शाक के गण के प्रधान थे। शाक के गण के प्रधान थे। एक और की गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो था सिद्धार्थ। फिर इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब ये बौद्ध कहलाए, बुद्ध कहलाए। बुद्ध की माता का नाम था महामाया, महामाया ये कोलीय गणराज्य की कन्या थी, कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। और बुद्ध का जो पालन पोषण, क्योंकि इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई, तो इनका जो पालन पोषण किया था वो इनकी
मौसी कहें या धायमा, तो इनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। प्रजापति गौतमी थी, तो ये इनकी मौसी थी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया। फिर आगे चल के इनकी विवाह होता है और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा कुछ वर्ष पश्चात फिर इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है और उस पुत्र का नाम था राहुल। राहुल पुत्र का नाम था। फिर ये 29 वर्ष के जब होते हैं तब इन्होंने गृह त्याग किया, यानी घर से चले गए। उस समय इनकी अवस्था 29 वर्ष की थी। और जब ये गृह त्याग करते हैं तो इसी को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण जब ये घर का त्याग करते हैं तो इसे ही महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। फिर यहां से जब इन्होंने घर का त्याग किया था तो जिस घोड़े पे निकले थे, घोड़े का नाम था, सॉरी, इनकी घोड़े का नाम था जिससे ये गए थे घूमने, और उसमें इनको 4 दृश्य दिखाई दिए थे, जिसमें एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक ऋषि और एक मृत व्यक्ति। तो इन्होंने कंथक की सवारी उस समय की थी, कंथक घोड़ा, और सारथी था उस घोड़े का चाण। चाण इनकी सारथी थी, चाण। इनकी मृत्यु हुई चार सौ 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में, जो कि मल्लों की राजधानी थी। तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई बुद्ध की, बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। तो इनकी मृत्यु हुई 483 ईस्वी में कुशीनगर में। बुद्ध के बारे में ये कहा जाता है कि एक बार ये अपने महल से, इनके पिता सुद्धोधन ने इनको काफी सुख सुविधाएं दी, क्योंकि एक ऋषि ने बताया था कि आपका पुत्र या तो बहुत बड़ा साधु होगा और या फिर एक प्रतापी शासक होगा। प्रतापी शासक हो इस कारण से, इसलिए सुदोधन ने उनको बहुत सारी सुख सुविधाएं दी। उनका विवाह भी एक सुंदर कन्या के साथ किया, लेकिन इन सब की मन नहीं लगा। एक दिन ये शहर को घूमने गए और घूमते हुए रास्ते में इनको 4 दृश्य दिखाई देते हैं। पहले में एक बीमार व्यक्ति, पहला इनको एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है। वो व्यक्ति वृद्ध था। वृद्ध के बाद फिर थोड़ी दूर पे आगे बढ़ते हैं तो एक बीमार व्यक्ति दिखाई देता है। बीमार व्यक्ति, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो एक मृत व्यक्ति दिखाई देता है, और फिर एक साधु दिखाई देता है, सन्यासी। और ये सन्यासी प्रसन्न मुद्रा में बैठा साधना कर रहा है। ये सन्यासी प्रसन्न मुद्रा में था। ये देख करके बुद्ध के मन में आया कि जब उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा तो झुका हुआ, उसकी पसलियां हड्डियां सब दिख रही थी, चला नहीं जा रहा था उससे। इन सब के बारे में बुद्ध ने फिर अपने सारथी चांद से पूछा। सन्यासी को जब देखा उन्होंने, तो जब सन्यासी प्रसन्न मुद्रा में था तो उसका कारण पूछा। तो इनकी सारथी ने कहा कि ये सन्यासी है जो संसार की मोह माया को त्याग चुका है और ये सिर्फ ईश्वर की प्रार्थना करता है, इसलिए ये प्रसन्न मुद्रा में है। ये सब देख के ये घर आए, और घर आने के बाद
इन्होंने बिना किसी को बताए घर से निकले। उस समय इनकी अवस्था थी 29 वर्ष और इसे ही कहा गया महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ ऐसे घटनाएं हैं और उनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे कि इनका जब जन्म हुआ तो इनके जन्म को जिसे जैसे इनका जब जन्म हुआ तो उसे कमल व सांड से इसका प्रतीक चिन्ह रखा गया है, जन्म का कमल एवं सांड। तो ये बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह है। गृह त्याग, गृह त्याग का जो प्रतीक चिन्ह है उसे अश्व रखा गया, यानी कि घोड़ा। ज्ञान, क्योंकि इनको पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था तो ज्ञान प्राप्ति जो इनको हुई तो पीपल या कहें बोधि वृक्ष जिसे कहा जाता है, पीपल या जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, बोधि का वृक्ष। जब इनको निर्वाण प्राप्त हुआ, निर्वाण प्राप्त हुआ तो निर्वाण को कहा का प्रतीक चिन्ह जो है पद चिन्ह, पद चिन्ह जो है वो निर्वाण का सूचक है। और जो इनकी मृत्यु हुई, मृत्यु तो मृत्यु होने के बाद जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया है, इसे मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है और इसे स्तूप बनाया गया, स्तूप से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो स्तूप इसका जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, स्तूप है। बुद्ध यहां से निकले। इसके अलावा अगर कहें आगे देखें तो जब ये 29 वर्ष की अवस्था में निकली, फिर 6 वर्ष तक ये अथक परिश्रम करते रहे और 35 वर्ष के जब हुए, 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। निरंजना नदी पे बैठे हुए थे बोधि वृक्ष के नीचे, तो निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी, बोधि वृक्ष, इसको शशांक ने कटवा दिया था जो शैव शासक था, बोधि वृक्ष, यहां पे इनको वैशाख की पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस पे वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा की तिथि, और फिर इनको यहां पे ज्ञान प्राप्ति हुई। तो 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर ये 6 वर्ष की अथक तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर ये तथागत हो गए। और ज्ञान प्राप्ति के बाद फिर ये बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने पहला उपदेश, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे ऋषिपत्तनम भी कहा जाता था पहले, वहां पर इन्होंने दिया। बुद्ध ने कहा कि दुख तो हैं और दुख के बारे में इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं। जो 4 आर्य सत्य हैं उसको बताया इन्होंने। बुद्ध ने कहा कि दुख, दुख, दुख समुदाय, दुख विशेष, और इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो दुख है उसका दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो इस ये 4 आर्य सत्य बताए और इन्होंने कहा कि अगर इन दुखों से छुटकारा पाना है आपको तो इसके लिए भी उन्होंने
अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, अष्टांगिक मार्ग बताए। पहले उन्होंने कहा कि दुख, दुख समुदाय, दुख विशेष और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये चार आर्य सत्य हैं, लेकिन इन सबसे छुटकारा पाने के लिए आपको अष्टांगिक मार्गों का पालन करना पड़ेगा। वो अष्टांगिक मार्ग हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, उसके बाद सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, और एक और कहा कि सम्यक समाधि और सम्यक समाधि। तो बुद्ध ने चार आर्य सत्य बताए दुख के, लेकिन कहा कि इससे छुटकारा पाने के लिए आपको इन अष्टांगिक मार्गों का पालन करना पड़ेगा। इसके अलावा बुद्ध ने कहा, एक और जान लीजिए कि बुद्ध ने त्रिरत्न, बौद्ध धर्म जो है, ये बुद्ध ने एक प्रतीत समुत्पाद की शिक्षा दी। प्रतीत समुत्पाद नामक एक ग्रंथ है या कहें संकलन है, उसमें तो प्रतीत समुत्पाद में इसको बुद्ध की शिक्षाओं का सार कहा जाता है। बुद्ध की शिक्षाओं का सार, प्रतिसमुत्पाद को बुद्ध की शिक्षाओं का सार कहा जाता है। बुद्ध ये जो बौद्ध धर्म है, ये बौद्ध धर्म जो है ये अनीश्वरवादी और अनात्मवादी है, यानी ये ईश्वर को नहीं मानता और आत्मा में विश्वास नहीं करता, अनीश्वरवादी और अनात्मवादी, अनात्मवादी है। बुद्ध ने, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, त्रिरत्न, त्रिरत्न कौन से कौन से हैं? वो हैं बुद्ध, धम्म और संघ। हमने जैन धर्म के भी त्रिरत्न पढ़े थे, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कंफ्यूज नहीं होना। कुछ दर्शन इसमें भी हैं, हमने दर्शन उसमें भी पढ़े थे। त्रिरत्न, इसके अलावा जो जातक कथाएं हैं, जातक कथा, जातक कथाएं, ये इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित, ये बुद्ध के जीवन से संबंधित इसमें कहानियां बताई गई हैं। तो बुद्ध से संबंधित कहानियां, कहानियां हैं इसमें, जो जातक कथाएं हैं। बौद्ध ग्रंथ हैं जो जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। तो त्रिपिटक, त्रिपिटक हैं जिनमें की सुत्तपिटक, सुत्तपिटक, विनयपिटक, विनयपिटक और अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक हैं। त्रिपिटक बौद्ध, अब त्रिपिटक पूछा जाता है कि ये बौद्ध ग्रंथ हैं। त्रिपिटक एक प्रकार से टोकरी समझिए, इसमें सुत्तपिटक, विनयपिटक और अभिधम्म पिटक
ये जो सुत्त पिटक है, ये इस धर्मों का, इसमें धर्मोपदेश है, बौद्ध धर्म का, धर्मों के बारे में है। और ये पिटक जो है, सुत्त पिटक, ये 5 भागों में है। इसके ये 5 निकायों में, इसमें 5 निकाय हैं, जिसमें अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय, इस प्रकार के 5 निकाय हैं। ये जो विनय पिटक है, ये नियम से संबंधित है, यानी जो मठ और उसमें रहते थे विहारों में, तो इसमें नियम, बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम है इसमें। और जो अभिधम्म पिटक है, ये बुद्ध के उपदेशों और ये जो दर्शन है, उपदेशों के और उनके जो सिद्धांत थे, तो ये इसमें बुद्ध के उपदेश और उनके सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है, तो ये इससे संबंधित है। तो त्रिपिटक का मतलब आप समझ जाइएगा, ये एक तरह से टोकरी है जिसमें ये 3 ग्रंथ रखे हुए हैं, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक है। सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं, बताया कि दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। विनय पिटक में ये जो मठ, बौद्ध मठों में जो रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियाँ थी, उनके लिए नियम है, आचार्य संहिता है। और उसके अलावा ये जो विनय पिटक है, इसकी रचना उपाली ने की थी, वैसे इतनी गहराई में जाने की बात नहीं है। और अभिधम्म पिटक जो है, ये बुद्ध के उपदेशों से संबंधित है। इसके अलावा अगर कहा जाए, तो जो बुद्ध ने उपदेश दिए, जो कि वो उनके उपदेश जो थे बुद्ध के, वो पाली भाषा में थे, और क्योंकि ये लोकल लैंग्वेज थी, स्थानीय भाषा थी, तो इसलिए इसकी जो है लोगों के पास ये धर्म भी फैला। बुद्ध के धर्म का फैलने का एक कारण यही था कि भाषा सबसे प्रमुख होती थी किसी भी धर्म की। अगर कहें बौद्ध धर्म में, इन त्रिपिटकों के अलावा जो भी साहित्य थे वो बौद्ध साहित्य, उनमें अगर कहें तो और बौद्ध साहित्य जो हैं, उसमें एक है मिलिंद पन्हों। मिलिंद पन्हों में क्या है कि इसमें ईसा की जो पहली 2 शताब्दियों में भारतीय जनजीवन के विषय में जानकारी मिलती है, और इसी में मिनांडर, मिनांडर जो होता है, उसका जो यूनानी शासक होता है, उसका बौद्ध भिक्षु जो होता है नागसेन, उससे संवाद होता है बौद्ध धर्म के ऊपर, तो ये इसीलिए इसको मिलिंद पन्हों कहा गया है। एक और जो है उसमें है दीपवंश, दीपवंश ये भी बौद्ध ग्रंथ है। महावंश, महावंश, महावंश में क्या है कि इसमें आगे चल करके इस ग्रंथ में मगध का जो राजाओं का क्रम है, उसकी भी क्रमबद्ध जानकारी इसमें महावंश में मिलती है। और महावंश के अलावा जो जातक कथाएं हमने पढ़ी, बताया ही आपकी जातक कथाएं, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथा है, और ये जातक कथा जो है ये भी पाली भाषा में रचित है। और इस जातक कथाओं के अलावा एक और है कि महावस्तु, महावस्तु वो है ये जो विनय पिटक है, विनय पिटक से ही संबंधित है महावस्तु, जिसे किसी संविधान से जो छोटी छोटी पुस्तकें अगर निकाल दी जाए, या कानून की कोई छोटी सी पुस्तक निकाल दी जाए, तो वैसा संबंधित था ये। इसके अलावा अगर आप बात करें, तो जब बुद्ध की 4 मुद्राएं भी, बुद्ध की जो मुद्राएं हैं वो प्रचलित हैं, तो एक डाल लीजिए कि बुद्ध की प्रमुख मुद्रा, इसमें एक है धर्म चक्र मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा। इस मुद्रा में क्या था कि बुद्ध की यह मुद्रा उनके जीवन काल के उन क्षणों को अंकित करती है, उन क्षणों के ऊपर ये केंद्रित है कि जब वो प्रबोधन के पश्चात, जब सारनाथ के कुरंग उपवन में पहली बार उपदेश दे रहे थे, तो इसे ही धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। और जिस मुद्रा में थे वो धर्मचक्र मुद्रा कही जाती है, जैसे कि जो उपदेश दे रहे थे बैठे हुए। इसके बाद एक है अभय मुद्रा, अभय मुद्रा, अभय मुद्रा का क्या है कि महात्मा बुद्ध की ये मुद्रा जो है शांति, एक ये लिख लीजिए सारनाथ के प्रथम उपदेश से संबंधित है ये, सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिया था वहां से संबंधित है। और जो अभय मुद्रा है ये शांति, सुरक्षा, शांति, सुरक्षा,
दयालुता आदि से संबंधित है। और जो अगली मुद्रा है वो है भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा, तो भूमि स्पर्श मुद्रा का मतलब है कि ये जब वो ज्ञान की संकेतक है, यानी कि ये जब वो बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, तो ज्ञान संकेतक ये मुद्रा है। अगली जो मुद्रा है वो है ज्ञान की मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा में क्या है कि जो भूमि स्पर्श मुद्रा है वो ज्ञान संकेतक मुद्रा है, लेकिन इस पे इन्होंने अंगूठे के स्पर्श से चक्र के निर्माण, तो इसमें अंगूठे के स्पर्श से चक्र निर्माण, और चक्र निर्माण के अलावा हथेली सीने को स्पर्श, ये ऐसी ज्ञान मुद्रा को प्रदर्शित करती है। और एक और मुद्रा है वो है वरद मुद्रा। वरद मुद्रा में क्या है कि ये ऊर्जा की प्राप्ति के लिए है, ये ऊर्जा प्राप्ति का गुण सिखाती है, ऊर्जा प्राप्ति के गुण सिखाती है। तो ये बुद्ध की कुछ प्रमुख मुद्राएं थी। इसके अलावा अगर कहें तो और जो चीजें हैं उसमें, कालांतर में जब बौद्ध धर्म आगे बढ़ा तो कनिष्क की शासन काल जब आता है तो इसी ने बौद्ध धर्म का विभाजन होता है। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। ये भी कहा जा सकता है कि जब बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ तो उस समय शासक किसके शासन काल में था, तो कनिष्क के था। और कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ, बौद्ध धर्म विभाजित हुआ। जी विभाजित हुआ हीनयान और महायान में, दो शाखाएं निकली। एक शाखा जो पुराने विचारों वाली थी हीनयान, और जिसने आधुनिकतम विचार अपनाए वो महायान। इसमें अंतर ये था कि जो महायानी थे, अब यहाँ पे धीरे धीरे बुद्ध की मूर्ति पूजा शुरू हो गई। महायान वाले जो थे वो बुद्ध की मूर्ति पूजा शुरू कर देते हैं धीरे धीरे करके इसी धर्म से, जबकि हीनयानी उसको एक विराट पुरुष ही मानते थे। इन्होंने क्या किया कि हीनयानियों ने उनके सिर्फ उपदेशों को स्वीकार किया, बुद्ध के उपदेशों को इन्होंने स्वीकार किया, और उन्हें बताया कि ये महायानियों ने फिर आगे चल के उनको भगवान की तरह, माने भगवान की तरह पूजना शुरू कर दिया। बौद्ध धर्म की कुछ संगीतियां हुई तो वो देख लेते हैं कि कौन कौन संगीतियां हुई। यहां लिखते हैं बौद्ध संगीतियां, जिसमें है प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध, चार बौद्ध संगीतियां हुई। पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, ये हुई 483 ईसा पूर्व में, और ये स्थान था इसका राजगृह, राजगृह में हुई। इस समय शासन काल था अजात शत्रु का, अजात शत्रु का शासन काल था, और इस संगीति के अध्यक्ष थे इस संगीति के महाकश्यप। महाकश्यप जो थे वो अध्यक्ष थे। एक यहां पर डाल लीजिए कि यहां पर स्थान, शासक और अध्यक्ष। इसके अलावा कौन कौन से कार्य भी कुछ हुए थे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। संगीतियां कहाँ कहाँ हुई, किसके शासनकाल में हुई, ये जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई वो इसी के 100 साल बाद यानी 383 ईसा पूर्व में हुई। ये हुई थी वैशाली में, स्थान था इसका वैशाली। इस समय शासक था कालाशोक,
इस समय कालाशोक का शासन था, और इस संगीति की अध्यक्षता थी की थी सर्वकामी ने, यानी जिसे सर्वकामी भी कहा जाता है, तो सर्वकामी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई 250 ईसा पूर्व में, 250 ईसा पूर्व में ये पाटलिपुत्र में हुई। इस समय शासक थे अशोक, और अध्यक्षता की थी मोग्गल पुत्तिस ने, मुगल पुत्तिस। तो मुगल पुत्तिस ने इस तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो अंतिम बौद्ध संगीति हुई ये प्रथम शती में हुई, प्रथम शताब्दी में ईसा की, और ये हुई थी कुंडलवन में, जो कि कश्मीर में है, कुंडलवन कश्मीर में। इस समय कनिष्क का शासन था और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने, वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये चार संगीतियां हुई। पहली संगीति में जैसे कि हमने बताया कि जो पहली संगीति थी इसमें जो कार्य हुआ था कि जो उपदेश थे इसको सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक में संरक्षित किया गया था, और दूसरी में जो भिक्षु थे भिक्षुओं में मतभेद हुआ, तो भिक्षुओं में मतभेद होने के कारण जो संघ था वो अस्थविर और महासंघिक में विभाजित हुआ था। तीसरी जो कालाशोक की अशोक के समय हुई मोगली पुत्तिस की अध्यक्षता में, उसमें अभिधम्म पिटक तीसरा बना, यानी कि बुद्ध सुत्त पिटक और विनय पिटक दो उपदेश प्रथम संगीति में बने थे, जो न दो पिटक। तीसरा पिटक जो है अभिधम्म पिटक वो तीसरी संगीति में बना, उसका संकलन हुआ। चौथी में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ हीनयान और महायान में। हीनयान में जो थे वो संभवतः अस्थविरवादी थे और महायान में महासंघिक थे। बौद्ध धर्म से संबंधित इतने टॉपिक हैं। कुछ अब स्तूपों के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा। स्तूप का मतलब होता है मिट्टी का ढेर या किसी वस्तु का ढेर, किसी वस्तु का ढेर, किसी वस्तु का ढेर होता है। बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो जो उनकी चिता के ऊपर और मृतक की जो अस्थियां बची थी उनको चुन करके उनके जो अनुयायी थे उनके द्वारा अलग अलग ले जाया गया और उनको चार भागों में बांटा गया। पहला था शारीरिक स्तूप, शारीरिक स्तूप। इसमें क्या है कि बुद्ध के जो शरीर से संबंधित थे, जैसे कि बुद्ध के शरीर और जो धातु, केस और दांत, इनको रखा जाता था, तो ये शारीरिक स्तूप हुए। दूसरे थे पारिभोगिक स्तूप, पारिभोगिक स्तूप। अब पारिभोगिक स्तूप का मतलब क्या हुआ कि जो चीजें बुद्ध ने उपभोग की थी, उपयोग में लाई थी, जिसमें जैसे कि भिक्षा पात्र हो गया, भिक्षा पात्र, भिक्षा पात्र के अलावा चीवर हो गया, संघाटी हो गया, पादुका जो चरण पादुका कहें, पादुका आदि ऐसी चीजें थी जिन्हें पारिभोगिक स्तूप कहा गया, जो जिनमें उसे रखा गया वो पारिभोगिक स्तूप थे। एक स्तूप था उद्देशिका स्तूप, उद्देशिका स्तूप। इस स्तूप में
बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं और स्मृति के से जुड़े स्थानों पे था। यानी जीवन से जुड़ी घटनाओं एवं स्थानों से, तो वहां पर उत्तिष्का स्तूप बनाए गए। एक था पूजार्थक स्तूप, पूजार्थक स्तूप का मतलब ये हुआ कि भगवान बुद्ध जो थे, ये जब धनीवान लोग थे तो उन्होंने श्रद्धा के वशीभूत बुद्ध के अंतर्गत जो उनकी श्रद्धा थी उससे जुड़े होकर के इन्होंने जो स्तूप बनवाए, तो ये धनीवान लोगों द्वारा, धनीवान व्यक्तियों द्वारा बनाए गए, तो इन्हें कहा गया पूजार्थक स्तूप। स्तूप के कुछ हिस्से भी होते थे, जैसे कि स्तूप ऐसे बनता था अंडाकार इस तरह से, और एक छतरी नुमा ऐसे लगा होता था, फिर ऐसे गोला टाइप का भी बनता था, यहाँ पे वेदिका इस प्रकार से, यहाँ सीढ़ियाँ टाइप की बनती थी, एक तोरण द्वार टाइप का होता था। तो उसमें जो शब्द हैं, जो हिस्से हैं स्तूप के, हिस्से अगर देखें स्तूप के हिस्से, तो इसमें अगर बात करें कौन कौन सी, तो इसमें एक होती है वेदिका होती थी, ये जो गोल गोल घूमते थे इसे वेदिका कहा जाता था, इसको गोल गोल ये घूमने के जो बैरिकेडिंग की जाती थी ये वेदिका होती थी। मेधी होती थी एक कुर्सी नुमा, मेधी जिसे कुर्सी, ये वो चबूतरा होता था, यानी यहाँ से जब चढ़ के इसके ऊपर जाते हैं तो पहले तो ये वेदिका मिलेगी, फिर ये मेधी मिलेगी जहाँ पे मुख्य चीज रखी होती थी, मुख्य हिस्सा होता था। एक होता था अंड, ये जो गोलाकार हिस्सा है ना, ये अंड होता था। हर्मिका, ये जो ऊपर होती थी ऐसा एक हर्मिका होता था, फिर एक छत्र होता था, तो हर्मिका छत्र ये सब, छत्र क्या था, ये धार्मिक प्रतीक था, और अस्थि की रक्षा के लिए ये हर्मिका लगाई जाती थी। इसके अलावा जो सोपान, एक शब्द आता है सोपान, सोपान ये जो सीढ़ियां बनी होती थी ना मेदी इसके ऊपर चढ़ने के लिए, वो सोपान होता था। दो शब्द और याद रखिएगा बुद्ध से संबंधित, एक था चैत्य और एक विहार। चैत्य का मतलब होता था कि चिता संबंधी, यानी ये चिता संबंधी, यानी बुद्ध चिता संबंधी क्या हो गया, जो स्तूप हो गया, यानी कि जो बौद्ध से बुद्ध से संबंधित हो। ये एक मंदिर है जिसमें स्तूप स्तूप बना होता था, और यहाँ पूजार्थक स्तूप को चैत्य कहा जाता था, इसकी पूजा होती थी, जैसे जो धनीमान लोग बनवाते थे, ये चिता संबंधी जो चीज़ें होती थी इसे चैत्य कहा जाता था। और चैत्य के ही बगल में जो भिक्षु रहते थे बौद्ध भिक्षु, तो उनके रहने हेतु, भिक्षुओं के रहने हेतु जो कम मतलब जगह बनाई जाती थी, आवास बनाया जाता था, उसे विहार कहा जाता था। तो चैत्य उपासना स्थल होता था और उसी के समीप रहने के लिए विहार बनाया जाता था। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। अगली वीडियो में देखते हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित टॉपिक खत्म हुआ। बौद्ध धर्म के अलावा, जैन धर्म के अलावा जो कुछ और भी संप्रदाय प्रचलित थे प्राचीन भारत में, उनको भी एक बार देख लेते हैं, जो कि SSC की दृष्टि से। एक थे आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, इसके अलावा, आजीवक के अलावा था यदृच्छावाद, यदृच्छावाद संप्रदाय। यदृच्छावाद के अलावा जो अगला था वो था अनिश्चयवादी, अनिश्चयवादी, अनिश्चयवादी के
एक था घोर अक्रियावादी, घोर अक्रियावादी, घोर अक्रियावादी, और एक था भौतिकवादी। भौतिकवादी, इसके अलावा एक भौतिक दर्शन था, भौतिक दर्शन, भौतिक दर्शन था। इनकी जो संस्थापक थे उनको देख लेते हैं, तो जो आजीवक संप्रदाय का था उसके संस्थापक थे, एक थे मक्खलपुत गोसाल, मक्खल, मक्खलपुत गोसाल, मक्खलपुत गोसाल इसके संपादक थे। और जो यदृच्छावाद संप्रदाय था, यदृच्छावाद के आचार्य अजित थे, आचार्य अजित। अनिश्चयवादी जो था, अनिश्चयवादी के केस कम्बलिन, केस कम्बलिन। घोर अक्रियावादी, घोर अक्रियावादी के पूरण कश्यप थे, पूरण कश्यप। जो पूरण कश्यप थे ये घोर अक्रियावादी के थे। भौतिकवादी के पकुद कच्चायन, पकुद, पकुद कच्चायन ये भौतिकवादी के थे। और जो भौतिक दर्शन, इसके संजय वेठल पुत्र थे, संजय वेठल पुत्र। तो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अलामा थे। इसके अलावा अगर देखें तो जैन और बौद्ध धर्म के अलावा जो धर्म था उसमें शैव धर्म था। शैव धर्म के भी कई भाग थे, शाक्त धर्म था, वैष्णव धर्म था, फिर इस्लाम धर्म, पारसी धर्म। ये सब एक टॉपिक है, इसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं।